मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत भर जाती है, वो भी अपनी नमाजों को खुशू खुदू के साथ गिफ्ट पैक करके अल्लाह के पास भेजता है कि मेरी ये नमाज अल्लाह के पास पहुंचे तो मेरे मालिक को पसंद आ जाए। फिर इंसान आमाल करता है अल्लाह को राजी करने के लिए। मोहब्बत अजीब चीज है। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी हुई थी और कुछ रियाल धो रही थी, सिक्के थे, धो रही थी उनको। नबी ने सामने देखा तो फरमाया, आयशा तुम ये पैसे धो क्यों रही हो? ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी मुबारक जुबान से सुना है कि जो बंदा अपना माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है तो सवाली यानी मांगने वाले के हाथ में जाने से पहले वो पैसे अल्लाह के हाथ में पहुंच जाते हैं। तो जब से मैंने ये सुना, मैंने जिस पैसे को सदका करना होता है ना, मैं उसे धो देती हूँ ताकि साफ पाक ये पैसा मेरे अल्लाह के हाथ में पहुंचे। अल्लाह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारना, इसका रंग ही अलग है, इसका लुत्फ ही अलग है। एक नुकता ये भी समझ लीजिए कि मोहब्बत की इब्तदा बंदे से नहीं होती, अल्लाह की तरफ से होती है। जब भी कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है ना, इसका मतलब यह कि अल्लाह ने इससे मोहब्बत की, अब ये अल्लाह से मोहब्बत कर रहा है। युहिब्बुहुम व युहिब्बुनहु, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। तो अल्लाह की तरफ से मोहब्बत पहले होती है और बंदे की तरफ से बाद में होती है। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं तो इब्तदा किधर से हुई? अगर अल्लाह ना चाहते तो हम पता नहीं कहाँ भटक रहे होते। अगर ये नेमत मिली है तो इनायत की नज़र किसकी हुई? अल्लाह की हुई। किसी शायर ने अजीब अशआर कहे हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाब आना, आ दिल में तुझे रख लूं ए जलवे जानाना। ए अहले करम मुझ पर इतना तो करम करना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। फिर अगला शेर बड़ा अजीब है, क्यों आंख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी। जब किसी सालिक के ऊपर कब्ज की कैफियत तारी हो ना और कुछ कैफियात ना महसूस हो रही हो, उस वक्त इस शेर को पढ़े बंदा तन्हाई में बैठ के तो अजीब मजा आता है। क्यों आंख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। दुनिया में मुझे तुमने अपना तो बनाया है, माशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या लुत्फ माशर में मैं शिकवे किए जाऊं, क्या लुत्फ माशर में मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। अल्लाह की ऐसी मोहब्बत हो कि जब अल्लाह के दरबार में पहुंचे तो अल्लाह भी ये कह दें ये मेरा दीवाना था, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला मेरा बंदा था। ऐसी अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए।